अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जारी जुबानी जंग अगर हथियारों के युद्ध में बदली तो भयंकर नरसंहार होना तय है। उत्तर कोरिया की हरकतों को देखते हुए अमेरिका बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ब्रिटेन के डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के प्रोफेसर मालकम चालमर्स ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध भड़क गया तो खतरनाक परिस्थितियां होने वाली हैं। उन्होंने युद्ध की विभीषिका से होने वाले हैरानी भरे मौत के आंकड़े जारी किए हैं। प्रोफेसर चालमर्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर ट्रंप ने एक भी हमला किया तो नॉर्थ कोरिया अपने देश से सैकड़ों मिसाइलें छोड़ देगा। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया अपना पहला निशाना साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को बनाएगा, जिसमें अनगिनत लोगों की मौत हो सकती है। चालमर्स के अनुसार इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया एक हफ्ते में ही लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देगा। प्रोफेसर चालमर्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस युद्ध से लाखों लोगों को एक देश से दूसरे देश में पलायन करना पड़ेगा। इस युद्ध से लोगों को चीन और रूस में शरण लेनी पड़ सकती है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच छिड़ने वाले युद्ध में चीन को भी इस बात का डर है कि युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया से आकर चीन में शरण लेंगे, जिससे चीन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चालमर्स के मुताबिक अगर किंग जॉन उन ने एक भी न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो युद्ध अपने अगले स्तर पर पहुंच जाएगा, जिसका नुकसान कल्पना से भी परे होगा। युद्ध के पहले फेज में बड़ी मात्रा में सैनिकों और नागरिकों की मौत होगी। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर ही नरसंहार मच जाएगा, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बड़े भाग में सिर्फ मौत का मंजर दिखेगा और लाखों लोगों को पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ेगी। टीम इंडिलिंक्स।